हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सलीस नर्सिंग एकेडमी पर CHA का एक्सटेंशन आगे बढ़ाने के संकेत मिल चुके हैं। 1500 लाख रुपए सरकार ने दे दिए हैं कोविड में काम करने वालों के लिए। नोटिफिकेशन जस्ट अभी ही रिलीज हुए हैं। 21 जनवरी को पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन की तरफ से CHA के लिए, कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो किसान सरकार भी, भारतीय किसान यूनियन भी जो है अपने सपोर्ट में उतर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के, जी हाँ दोस्तों आपके CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। हर जिले, हर ब्लॉक, हर तहसील से 21 जनवरी को पोस्ट कार्ड जो जारी की जाएंगे CHA की तरफ से। और ये भी बहुत बड़ी खबर है, इसके पहले काली पट्टी बांध के आप सभी ने विरोध जताया था। तो अब चलता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर। CHA के विरुद्ध किस तरह से राजस्थान सरकार चालाकी अपना रही है उसको भी वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए। इन सभी के डॉक्यूमेंट्स, इन सभी के फोटो, चित्र वित्र, न्यूज़ व्यूज सब मैं मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चले चलते हैं उन जानकारियों की तरफ। राजस्थान सरकार चाह रही है जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का काम हो सके पूरा होए। 17 तारीख का नोटिफिकेशन देखिए, अब इसमें बताया गया है COVID-19 वैक्सीन की प्रथम डोज और बकाया द्वितीय डोज। अभी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई है, एक्सटेंशन की, 1500 लाख रुपए की, पोस्ट कार्ड की और किसान सरकार की, इसको भी बताऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन देखिए, इसमें बताया गया कि 31 जनवरी तक इन डोज पूरा करना है। किसने लिखा ये? NHM ने लिखा है, स्वास्थ्य विभाग ने। एक सेकेंड मैं इसको डाल देता हूँ फ्लाइट मोड पे, ठीक है। तो ये NHM ने लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक ने, किसके नाम? समस्त जिलों के नाम, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसका एक अर्थ ये निकाल सकते हो आपकी राजस्थान सरकार जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन काम करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। इन्होंने लिखा है कि यदि आप 31 जनवरी 2022 तक उक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं करते तो आपके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी CMHO अधिकारी को लिख दिया है प्रत्येक जिले के। चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से CHA का एक्सटेंशन आगे बढ़ाने के आपके चांसेस दिख रहे हैं और आपके जो है दिख गए हैं संकेत, तो इस खबर को आप पढ़ सकते हो। 2-3 खबर और पढ़ाऊंगा आपको। कोरोना के बढ़ते केस के बीच एक अच्छी खबर यह है कि 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन मार्च में शुरू हो सकता है। अब देखिए, मार्च तक आपका एक्सटेंशन बढ़ाया गया था CHA का, कन्फर्म है 100% लिख के ले लो। मैंने पहले भी आपसे बोला था ना कि आपका मार्च तक बढ़ेगा, लिख के ले लो। और वो बड़ा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आगे मना किया था लेकिन बड़ा, तो इस बार फिर देख लीजिए आप। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन मार्च में शुरू हो सकता है। इससे पहले 3 जनवरी को 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। आप सभी को याद ही होगी 3 जनवरी में अभी 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे बच्चों का होगा। तो ये तो एक लंबा चलने वाला है CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट, आप नहीं हटने वाले, ये मेरी गारंटी है। और किस तरह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को याद ही होगा गहलोत सरकार के जाने में सिर्फ 1.5 साल या 1.25 साल रह गया है। वो किसी भी हालत में आपको हटाकर पंगा नहीं लेना चाहेगी, ठीक है ना। एक एक वोट उनके लिए अब तो कीमती है, क्योंकि अगले चुनाव आने वाले हैं और अगले विधानसभा चुनाव के लिए वो अब तो पेड़ पड़ेगी आपके। तो आपको 2-3 मांग इंपॉर्टेंट कर लेनी चाहिए, उन मांगों को भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, बच्चों को जल्द से जल्द मिलेगा कोरोना कवच। 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, मार्च के पहले हफ्ते में भी हो सकती है शुरुआत। और ये देखिए 21 जनवरी को पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। अपने जो संदीप शर्मा जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन CHA के, उनके द्वारा पोस्ट कार्ड चला जाएगा। और उसके अंदर क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखा जाएगा। 25,000 जो स्वास्थ्य कर्मी है अपने राजस्थान में उनके द्वारा, ये अच्छी है, काफ़ी अच्छा इससे इफेक्ट पड़ेगा। और ये देखिए एक मांग संदीप शर्मा जी से मेरी विनती है, कशिश कछुआ जी जो है अपने राजस्थान नर्सेस यूनियन के अध्यक्ष, कि ये जिस तरह से हटा रहे हैं CHA को, ये देखिए आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कार्यमुक्त करवाने के बजाय कुछ जिलों में, जैसे अलवर जिले में ये 2-3 स्वास्थ्य सहायकों को हटाया गया था इनके लापरवाही कार्य के लिए, तो इनको चेतावनी भी दे सकते थे, इस तरह से हटाना गलत है। और ये देखिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान सरकार, आपने जो प्रदेश अध्यक्ष है पंडित रोहित शर्मा जी, ये देखिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा जी, ये भी अपने सपोर्ट में उतर आए। इन्होंने एक लेटर लिखा है अशोक गहलोत जी के नाम, और उसमें बताया गया है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मांगों के संबंध में माननीय श्री अशोक गहलोत जी सरकार निवेदन है कि ये देखिए राजस्थान सरकार ने कोरोना से जंग जीतने के लिए राजस्थान प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायक पद की मेरिट के आधार पर भर्ती निकाली थी। प्रदेश के सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, ओके, सैंपलिंग का काम कर रहे हैं, दवा वितरण का काम कर रहे हैं, कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, राजस्थान सरकार के निर्देशों का निष्ठापूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद CHA को काफ़ी कम वेतन दिया जा रहा है और इनका वेतन बढ़ाया जाए 7,900 से 26,500 किया जाए। इनको सीधे NHM से किया जाए, इनका मानदेय काफ़ी अच्छी है ये भी, और इनका नाम
पदनाम नर्स गिरफ्तार द्वितीय किया जाए, 50 लाख का इनका स्वास्थ्य बीमा भी किया जाए ना। ये इतनी सारी मांगे हैं, देख सकते हो आप, 50 लाख का बीमा, सैलरी NHM से इनका सैलरी। आपसे अनुरोध है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को शीघ्र से शीघ्र पुनः अनुग्रहित करने की कृपया करें। और ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष रोहित शर्मा जी, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि इस तरह से अगर कुछ यूनियंस इनके सपोर्ट में उतर आए ना, तो एक तरह से गले की फांस फंस जाएगी राजस्थान सरकार के। ये मैं कह रहा हूँ अभी, 100% लिख के ले लीजिए, एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रही है ये। और ये देखिए लेटर 11 तारीख का NHM की तरफ से प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, इसमें बता गया है। अब इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको कि 1500 लाख रुपए जो दिए हैं कोविड में काम करने वालों के लिए, महामारी के प्रबंधन में लगाए तो UTB के आधार पर, तो इसमें क्या CHP भी शामिल है, तो वीडियो को पूरा देखें। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में COVID-19 हेतु ECPR सेकंड के अंतर्गत स्वीकृत बजट में से राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक ये के द्वारा कोविड महामारी के प्रबंधन हेतु लगाए गए UTB के आधार पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य, यहाँ पर जहाँ अन्य शब्द आ जाता है उसमें सब आ जाता है भैया, देखिए आप अन्य है ना, अन्य लिखा हुआ है साफ साफ, ये अन्य। तो इसमें कौन कौन ने इन्होंने माने हैं, UTB आधार पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जो कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु लगाए गए थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को है ना, निम्नानुसार बजट में से 1500 लाख रुपये व्यय की जाने की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप जिले देख लीजिए, आप किस जिले से आते हो भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं है ना। वीडियो देख के ना चले जाए, क्योंकि वीज तो खूब आ रहा है, कोई मुझे इससे परेशानी नहीं है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है दूसरों के ऊपर। एक यूनियन मजबूत होती है ना, यूनियन जागृत होती है। अजमेर में 50 लाख दिए, अलवर में 50 लाख, प्रत्येक जिले में 50 लाख दिए, देख सकते हो आप, आप कौन सा जिला है आपका आप देख लीजिए। और अब मैं बताता हूँ कि CHS में शामिल है नहीं या नहीं है, उक्त दी गई राशि को भारत सरकार द्वारा ECPR सेकंड हेतु जारी निर्देश उपयोग में लिया जाए। उक्त राशि से संबंधित सूचना भारत सरकार के सॉफ्टवेयर PMS में इंदराज किए जाना सुनिश्चित करें है ना। प्रात बजट में से हस्तांतरित की जाएगी, बजट के उपयोग के पश्चात संबंधित बजट मद में भी एक, चलो ये ठीक है नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें कहीं नहीं लिखा CHA है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें तीन बताए गए, UTB के आधार पर जो चिकित्सक है ना, यानी मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ यानी लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सब आ गए इसमें। और अन्य में आ जाते हैं सेकंड ग्रेड स्टाफ, नर्स, संविदा, CHA है, तो उन सभी के ऊपर ये एक तरह से होता है। तो इसका है ना एक अपना यह है कि RTI एक चीज़ आप सभी को पता ही होगा, RTI इन्फॉर्मेशन सूचना है ना, अपने भारत सरकार में हक है ये अपना कि अपन RTI लगाकर कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो कोई अगर जागरूक हो बंदा मेरी तरह, तो वो RTI लगा के पूछ सकता है NHM जयपुर से, निदेशक से, या फिर भारत सरकार से, या फिर राजस्थान सरकार से। एक्चुअली राजस्थान सरकार में है अपने कोविड हेल्थ असिस्टेंट, तो RTI लगा के आप सूचना मांग सकते हो कि जो ये 1500 लाख रुपये दिए है ये अपने CHA के ऊपर भी जो है लागू होता है क्या। RTI का जवाब 4 से 5 दिन में आ जाता है, नॉर्मल सी बात है। और इससे संबंधित कोई अगर आपके सवाल से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी तो यही वीडियो थी, मार्च में बच्चों का अगर वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो कंफर्म 100% आपका जो है मार्च में एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। किसान सरकार अपने सपोर्ट में आ गई है, 1500 लाख रुपये मैंने आपको जानकारी बता दी। और CHA के विरुद्ध किस तरह से चालाकी अपना रही है कि ये जल्दी से जल्दी अभियान पूरा करना चाहती है वैक्सीनेशन का, ताकि इनको सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है अब इनकी आंखें एक तरह से शो हो रहा है कि कितनी बड़ी यूनियन बनती जा रही है CHA की, कोविड हेल्थ असिस्टेंट की काफ़ी बड़ी यूनियन बनेगी ये है ना। इतनी तो एक्सवाड़ जो EMT साथी है अपने, उनकी भी यूनियन नहीं है, संविदा कर्मचारियों की भी नहीं है। चलिए एक और बात करेंगे राजस्थान स्वास्थ्य सहायक की मांग, कुछ क्या क्या मांग है वो। तो एक तो सबसे अच्छी मांग है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती को NHM में शामिल किया जाए, विशेष मांग काफ़ी अच्छी मांग है। 7900 वेतन है उनका सम्मानजनक, 25,000 किया जाए, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी ना, कैसे करेंगे यार, 1.5 लाख कर्मचारी पहले से 7900 में काम कर रहा है 3 साल से, आपका तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। और पदनाम बदलकर आपका नर्स ग्रेड सेकंड किया जाए, ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विशेष मांग इसका मैं भी पूरा सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप एक दो मांग और जोड़ लीजिए इसमें कि जो हटा रहे हैं ये लापरवाही का कारण देकर अपने CMHO साहब अलग अलग जिले के, तो एक तरह से वो चेतावनी भी दे सकते हैं, उसके बाद हटा सकते हैं, लेकिन शुरू में हटाना एक तरह से गलत है, तो ये भी एक संदीप शर्मा जी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और तो बस यही थी वीडियो में, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट जरूर करें यार, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को हर नर्सिंग ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।